क्या स्थिति है, अभी भी अलर्ट है, सेंट्रल टीम विजिट करके गई है सर, क्या रिपोर्ट है, क्या इनपुट? अभी तक डिजास्टर्स की जो कमेटी थी कल वो पूरा टीम गई है और हम चाहते हैं कि कम से कम हमें टीम अंतरिम राहत दे। अभी तक जो भी पैसा केंद्र सरकार से आया था वो हमारा ड्यूज था, जैसे कि दिसंबर में हमें जो किस्त मिलनी थी उन्होंने एडवांस कर दी उस किस्त को। इसके अलावा हमने उनसे ये कहा कि हमारे 315 करोड़ पे 2021-22 के पड़े हैं, उसकी किस्त तो रिलीज कर दीजिए। अभी हमें आशा है कि केंद्रीय टीम जब जाएगी तो हमें पहली किस्त के तौर पर अंतरिम राहत मिलने की संभावना है। डिजास्टर से तकरीबन बहुत नुकसान हुआ है, अभी तक आंकड़ों से पता चला कि 5-8 हज़ार करोड़ रुपये तक के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। सभी पीने की योजनाएं जो है, पीने ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स जो है, वो नदियों में बह गई है। अभी हमने सिर्फ टेम्परेरी जोड़ा है, जो हमारी सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, जो हमारी बिजली की समस्या है उनका बड़ा बुरा हाल है, और ये तो प्री मानसून की है, अभी भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल को जिस तरह की त्रासदी का सामना पिछले 75 वर्ष में पहली बार करना पड़ रहा है, हमारी सरकार बड़ी बेखूबी से इसको निभा रही है। आपने देखा कि हमने सबसे पहले रेस्क्यू किया, फिर इवैक्यूएशंस किया, और टेम्परेरी हमने सभी योजनाओं को जोड़ दिया है। अब भारत सरकार से अंतरिम राहत की जरूरत है और मुझे लगता है कि केंद्रीय टीम जाएगी तो तकरीबन हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा है कि जो हमारी पिछली ड्यू किस्त है डिजास्टर मैनेजमेंट में, सभी राज्यों के लिए बजट दिया जाता है और हर साल इसके दो इंस्टॉलमेंट आती है, एक जुलाई में आती है, एक दिसंबर में। तो भारत सरकार ने इतना किया कि जो हमारी दिसंबर में आपदा के समय किस्त आनी थी उसको पहले दे दिया। अब अगर दिसंबर में कहीं ज़्यादा बारिश होगी तो हमको वो अपने बजट से खर्च करना पड़ेगा, और अभी तक हमें पहली किस्त का इंतजार है और मुझे लगता है कि जब केंद्रीय टीम जाएगी तो हमें मिल जाएगी। सर, राष्ट्रीय आपदा अभी तक नहीं घोषित किया गया है, राष्ट्रीय आपदा अभी तक घोषित नहीं, और इसी तरह उसको तीन लोग लापता है सर, इसी के साथ जो मनाली है वहाँ सर जो नौसेना के जवान थे उनके शव मिले हैं सर, क्या अपडेट है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी शवों की शिनाख्त हो रही है और जब शवों की शिनाख्त होगी तभी हम उस बारे में कुछ कह सकते हैं। जहाँ रोहड़ू का क्लाउड बर्स्ट है उसमें SDM अभी मौके पर है, दो लोग अभी उसमें दबे हुए बताए जाते हैं, और जहाँ भी आपदा आई है वहाँ हमारे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आपदा से जो नुकसान हुआ है और जो जहाँ भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं वहाँ से हम अपने लोगों को निकाल सकते। सर, सेब सीजन शुरू हो गया है और आढ़तियों की आपकी मुलाकात हुई है, आढ़तियों का कहना है कि पेटी के हिसाब से इस बार रियायत दी जाए और सेब बिकना शुरू किया, जबकि सरकार ने किलो के मिले थे और उन्होंने कानून बना रखा है कि किलो के हिसाब से सेब की बात है। तो अगर मंडी में कानून किलो के हिसाब से, अगर कोई मंडी के बाहर कोई बागवान चाहता है कि अपना सेब उसके हिसाब से बेचे तो उसको बेच सकता है, हमारा किसी पर रोक नहीं है, पर जो कानून है उसको तो लागू करना ही पड़ता है। सर, अलर्ट अभी भी कंटिन्यूड है, IMD की तरफ से ऑरेंज अलर्ट है, किस तरह के डायरेक्शन है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर फेसिंग डिजास्टर सिचुएशन। देखिए, आपने ठीक कहा कि अलर्ट है, हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में जहाँ भी हमें खबर मिलती है उसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई को हम कर रहे हैं। पिछले कल दो नेपाली हमारे होली में फंसे हुए थे, हमने उनको भी निकाल लिया है। तो जहाँ भी हमारी ये पहली बार ऐसा है कि जहाँ भी हमें सूचना मिलती है वहाँ हमारी टीम, हमारी प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, होमगार्ड की टीम ने बड़ी तत्परता से कार्य कर रही है। और आप भी देख रहे होंगे, आप भी आए दिन अपने माध्यम से जब आपको भी खबर मिलती है तो आप भी उसको अपने चैनल पर चलाते हैं। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इस आपदा से निपटा जाए। सर, एक आरोप लगा रहे हैं BJP की तरफ से कि जो राहत राशि दी जा रही है कांग्रेस नेताओं के थ्रू बांटी जा रही है, अधिकारी नदारद हैं, जयराम ठाकुर का कहना नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।